असलम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग आज चीज क्लीन विद मी का सेकेंड पार्ट है और लास्ट जो व्लॉग मैंने अपलोड किया था अभी जिस जिसने नहीं देखा वो आ, वो भी जाकर देख सकते हैं पार्ट वन में मैंने आ, जो है वो क्या मैंने अपलोड किया था और अभी जी आज है सेकंड पार्ट और आ, मुझे नहीं पता कि अभी कितने पार्ट्स और आएंगे क्योंकि जैसे कि कल मैंने ये सारा जो है ना वो क्लीन किया था किचन का तो आज जो है मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है मुझे फ्लू एलर्जी सी लग रही है इस वजह से जो है ना आज मैंने कुछ भी नहीं किया आज जैसे कि फ्राइडे है तो बस थोड़ी बहुत इबादत की है और बस जो है ना वी अपलोड किया खाना मैंने जो कल बनाया था वो ये अभी हमने दोपहर में खाया है और अभी पी जी करते हैं किचन का काम स्टार्ट और अभी सबसे पहले जो है ना मैंने फ्रिज खोली थी क्योंकि फ्रिज को देख के मुझे बहुत ही इरीटेशन हो रही थी और बार बार फ्रिज का दरवाज़ा खुल रहा था और बंद हो रहा था तो फाइनली जो मैंने वो रेड कराई पड़ी हुई है ना वो मैंने निकाल के और फिर मैंने ना नीचे रख दी थी उसके आगे ताकि जो है ना ख़राब ना हो ये सर्दियों में, में मेरे हस्बैंड आए थे पाकिस्तान में तो दाल अम्मी ने बनाकर दी थी तो अभी तक दाल जो है वह कंटेनर में पड़ी हुई है और मुझे लग रहा था थोड़ी ठीक है लेकिन मैंने खा के देखी नहीं कि पता नहीं ठीक है या ख़राब हो गई हुई है तो एनीवेज मैंने उसको साइड पर रख दिया था और उसके बाद मैंने जो है ना फ्रिज साफ़ करना स्टार्ट की थी क्योंकि रात को ग्रॉसरी आई थी हम लोगों ने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर कर लिया था कुछ केयर से सामान ऑर्डर किया था जब से ऑर्डर करना शुरू कर दी हुई है ग्रॉसरी तो बहुत आसानी हो गई है वरना ग्रॉसरी करने के लिए भी एक अलग से एक दिन निकालना पड़ता था अब यह कि हम लोग आराम से ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं तो ये जी, जी जो ग्रॉसरी पड़ी हुई थी बाहर तो उसके लिए मुझे यही लगा कि सबसे पहले जो है ना मैं फ्रिज को साफ़ करूँ क्योंकि फ्रिज देख के मुझे बहुत ही इरीटेशन हो रही थी और सारा जो सामान था पता नहीं कब कब का पड़ा हुआ था ये जो है ये जो सामने कंटेनर है ना इसमें दवाई पड़ी हुई है ये अदरक लहसन की दवाई बनाती है अम्मी ना तो मेरे हस्बैंड ने भी ना कर रखी हुई थी तो ये वाली जो मेडिसन uh, है ना बेसिकली इसका देसी दवाई इसको कह सकते हैं अदरक लहसन और इसमें सेब का सरकार डलता है और साथ में हनी डलता है तो अगर आप लोगों को ये uh, चाहिए इसकी रेसिपी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये वाली जो मेडिसन होती है ये देसी दवाई है ये यूज़ होती है बेसिकली जो हार्ट पेशेंट्स वगैरह होते हैं ये uh, उनके लिए होती है ये कोलेस्ट्रॉल uh, को कम करती है उसके अलावा जो uh, थोड़ी बहुत uh, uh, जो ब्लॉकेज हो हो जाती जाती है 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 में उसको जो है ना ये खत्म करती है। तो बहुत आसानी इतनी ज़्यादा लेने से बेहतर है कि आप दवाई जो मेडिसन देसी चीज़ें हैं वो उसी को इस्तेमाल करें तो ये जो है ना वो एज़ अ केयर ऑप्शन जो है ना वो हमारे घर में आ, साल में एक दफ़ा ज़रूर बनती है और ये जो मैं आपको लस्सी दिखा रही थी ये भी एक्सपायर हुई भी थी <laughs> और जब पीछे है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो मैंने सारी फेंकी है जो बड़ा वाला होता है वो ऑलमोस्ट हाफ़ जो है ना ये फ्रिज की चीज़ों से ही भर गया था पीछे जो है वो सारी जो है ना वो एक्सपायर पड़ी हुई है ये साथ साथ मैं आपको निकाल निकाल के दिखाती जा रही हूँ कि ये और ख़ुद भी चेक कर रही थी कि एक्सपायर है कि क्या है तो साथ साथ जो है ना वो मैं फेंकती जा रही हूँ तो बस सबसे पहले जो है वो जितना एक्सपायर सामान है वो सारा निकाल लूँगी और उसके बाद मैं फ्रिज को साफ़ करूँगी कि जी मिस्टर मसल्स का मैं आपको क्लीनिंग जो लिक्विड है वो दिखा रही हूँ मिस्टर मसल्स का एक वॉशरूम के लिए है और एक किचन के लिए जो किचन के लिए मैं ऑब्वियसली वो ही यूज़ करूँगी तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है एस एच और ये जो है ना बहुत ही अच्छा ग्रीस क्लीनर है और जो मेरे व्यूवर्स यू ए से मुझे देख रहे हैं सऊदिया से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं तो वो उनको तो ये बहुत आसानी से मिल जाएगा लेकिन मुझे पाकिस्तान का आइडिया नहीं कि वहाँ पर ये मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता क्योंकि पाकिस्तान में एस्टोनिश एक ग्रीस क्लीनर यूज़ होता है वो आप उसको किच किचन में यूज़ कर सकते हैं स्टोव बहुत अच्छा साफ़ करता है और जितनी भी ग्रीस रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं जिसपे सारी ग्रीस जम जाती है किचन में स्पेशली होता है ऐसे कि टाइल्स पे चूल्हे पे फ्रिज वगैरह पे जो जो चीज़ आपकी किचन में होती है वहाँ पर सारी जो है ना वो ग्रीस हो जाती है तो बेसिकली ये सारा जो स्प्रे है एस्टोनिश जो है ना उसको भी साफ़ करता है क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है मैं ऐसे सिर्फ बस आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत ही अच्छा लिक्विड होता है एस्टोनिश पाकिस्तान में जो मिलता है और मिस्टर मसल्स आई डोंट नो कि वहाँ पर पाकिस्तान में बड़े स्टोर्स में शायद मिस्टर मसल्स पड़ा हो क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा तो ये यहाँ पर जो है ना वो मिलता है तो मैं यहाँ पर ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं कभी मिस्टर मसल्स यूज़ कर लेते हैं कभी हम दूसरा वाला जो एक और मिलता है स्प्रे उसका मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा एनी वेज यहाँ पर मैंने स्प्रे कर लिया था और इसके ऊपर मैं जो स्टील वूल है ना उसके साथ ये इतने ज़्यादा सख्त स्टेन्स थे कि ये स्टील वूल के अलावा जो है ना वो हाथ से नहीं उतरने थे तो इसके ऊपर जो है ना मैंने सारा ये जो स्लैब्स हैं इन सब के ऊपर मैंने स्प्रे कर लिया था और मैं स्टील वूल्स के साथ सारा साफ़ करूंगी वो जो सामने आपको स्टेन नज़र आ रहा है ना ये स्टील वूल से भी नहीं उतरा था आई डोंट नो ये किस चीज़ का स्टेन है तो ये साफ़ नहीं हो रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही थी किचन में इतना ज़्यादा गंद देख के तो मैं जो था कि बस मैं जल्दी जल्दी जो है ना सारा काम करूँ क्योंकि अभी खाना भी बनाने वाला था फ्रिज साफ़ हो गई है और ये देखें जी चमक चमक के चमक रही है हमारी फ्रिज माशाल्लाह और ये थी मैंने आपको बताया था कुछ ग्रॉसरी सामान आया था और ये जो है ना ऑरेंजेस की बकेट जो है ना एज इट इज़ ही मैं नीचे जो फ्रिज का बॉक्स है ना वहाँ पर रख दूँगी क्योंकि ये ऊपर अगर मोस्टली फ्रूट्स वगैरह रख दूँ ना वो तो जम जाता है तो इसको मैं एज इट इज़ ही फ्रूट आ, ये फ्रूट बास्केट में रख दूँगी और उसके बाद जितनी भी सब्ज़ियाँ आई हैं उन सारों को रख दूँगी हमारी फ्रिज हो गई है फर्स्ट क्लास किस्म की साफ और अब ऐसे लग रहा है कि फ्रिज सांस ले रही है और अब आते हैं जी ये कॉर्नर में ये जो दो आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं ना ये गार्बेज बैग्स हैं ये भरे हुए हैं ये इन दो दिनों में जितना भी मुझे कचरा नज़र आता था ना मैं डाल डालती जाती थी इन बैगस के अंदर और ये जितने भी हैं शॉपर्स वगैरह पड़े हुए इनको जो फेंकने वाले होंगे मैं इनको फेंकूँगी और ये वाली जो वेजिटेबल बास्केट है ना इसको सारे को साफ करूँगी क्योंकि नीचे भी सारे जो है ना वो शॉपर्स वग़ैरह पड़े हुए हैं बैग्स पड़े हुए हैं और जो लेसन है इसमें भी आई थिंक ख़राब हुआ होगा कुछ जो भी ख़राब हुआ होगा वो मैं फेंक रखूँगी और फिर उसके बाद जो ठीक होगा उसको रहने दूंगी और फिर नीचे जो गारबेज बैग्स भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पड़े हुए हैं इन सारों को उठा के जो है मैं साइड पर रखूंगी क्योंकि ऑलरेडी दो गारबेज बैग्स फुल हो गए हैं तीसरा जो है मैंने फ़्रिज से फुल किया है और अब देखते हैं कि और कितना फुल होता है लत्सी वेजिटेबल बास्केट भी हो गई साफ़ और अब ये जो है ना फ्रूट बास्केट पड़ी हुई है और मैंने इसको बाइस अलग से रखा हुआ है क्योंकि बनानाज़ वग़ैरह होते हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आप फ्रिज में नहीं रख सकते क्योंकि फ्रिज में रखे तो वो ख़राब हो जाते हैं अब ये जो है ना आपको सारा काउंटर के ऊपर नज़र आ रहा होगा मैस <laughs> और इसको जी हम अरेंज करते हैं अभी इस और जो बनानाज थे ना वो मैंने ये वाली फ़्रूट बास्केट्स में डाल दिया था और आई थिंक कैमरे का एंगल ठीक नहीं है इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा कि मैं उसमें फ्रूट बास्केट में डाल रही हूँ तो वो सामने बनानास है मैंने एंगल चेंज किया है इसका तो बनानास जो है ना मैंने सारे उसमें रख दिए हैं और अब जो है आ, इसके अंदर भी आई थिंक ये बिस्किट्स थे और इसमें ये देखें ये वाले ना डेट बिस्किट्स होते हैं ये बड़े मज़े के मिलते हैं यहाँ से आई थिंक इसको मामूल कहते हैं आई डोंट नो मुझे ठीक से इसका पड़ा नहीं था क्या लिखा हुआ था इसके ऊपर तो ये मिलते हैं कि यहाँ से तो आई इसमें थ्री पड़े हुए थे और मैंने जो है वो निकाल के उधर रख दिया ये सारा जो है ना वो ईसा का फूड है बेबी फ़ूड है उसके रस्क पड़े हुए हैं बिस्किट्स पड़े हुए हैं और साथ में उसके सीरियल्स पड़े हुए हैं इन इस पर भी मैं एक बेबी फ़ूड पर भी वीडियो बनाऊँगी और इस पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ईसा को जो है ना मैं कौन सा फ़ूड देती हूँ और ये जो है वो लंच बॉक्स पड़ा हुआ है इसको जो है इसके अंदर भी ये नया लंच बॉक्स पड़ा हुआ है इसको अभी तक यूज़ नहीं किया हस्बैंड को अभी इसमें जो है वो खाना पैक करके नहीं दिया वो पहले वाला था ना अभी वो स्टिल वही वाला यूज़ हो रहा है चलें जी अब इसको जो है ना वो अरेंज करते हैं ये एयर फ्रायर पड़ा हुआ है और ये ब्लैक एंड डेकर का एयर फ्रायर है साथ ही जूसर पड़ा हुआ है और कैरेट्स का जिसमें जूस निकालते हैं वो वाला जूसर पड़ा हुआ है दो तीन के के जो है ना यहाँ पर जूसर्स पड़े हुए हैं और जो सामने जो पड़ा हुआ है एक ऑर्गेनाइज़र है वो ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये सीरील था राइस सीरियल था और पीछे जो है ना वो रस्क पड़े हुए हैं और उससे पीछे जो है वो पड़ा हुआ है ऑर्गेनाइज़र पड़ा हुआ है वो मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें शेल्फ पे बिखरी रहती थी ना ये ऑर्गेनाइज़र मेरे पास पेयर पड़ा हुआ था वॉशरूम के लिए वैसे हम लाए थे लेकिन वॉशरूम में हम लोगों ने लगाया नहीं तो फिर मैंने ये किचन कॉर्नर में रख लिया था तो मैं यहाँ पर ही यह जो है ना सारी चीज़ें इस पर छोटी छोटी जो है ना वो सारी इस पर अरेंज करके रख देती होती हूँ तो अभी जो है ना मैं ये सारा जो काउंटर है इसको सारा ऑर्गेनाइज़ करती हूँ ये वाला भी एक्सपायर था ये वाला भी मैंने फेंका था यहाँ पर ये हलवा हल मिल मिलता है आई डोंट नो कौन सा वाला है सूजी का होता है या कौन सा होता है ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये पूरे का पूरा पड़ा हुआ है जो मैंने ये जो है ना वो फेंका है तो सामने जो है वो शक्कर पड़ी हुई है शक और साथ में ये जो है वो किशमिश है इस तरह से काफ़ी चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं जो मैं सारी अरेंज करके रख रही हूँ और ईसा के सीरियल्स हैं और उसके बिस्किट्स वगैरह पड़े हुए चलें जी इसको जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं जल्दी से अभी जो दोबारा से ऑर्डर किए थे जो इसके बिस्किट्स है वो मैंने ये जो ग्रॉसरी कैबिनेट है यहाँ पर रख दिए हैं और उसके अलावा जो ऊपर जूसेस वगैरह थे वो भी मैं ट्राई करूँगी ये नीचे एडजस्ट हो जाए नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर उसका ईसा का जो है वो स्टरलाइज़र पड़ा हुआ है और दूसरे थोड़े से बर्तन है इसको रीअरेंज करने वाला है लेकिन ये है कि मैं बाद में करूँगी क्योंकि अभी करने वाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम था जो कि ऊपर से सारा जो है ना वो सेट करने वाला था तो जो यहाँ पर जो है मैं यू जूसर्स रख के एडजस्ट कर रही हूँ कि पर नीचे आ हैं ताकि ऊपर जो जगह है ना वो हाली हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर मशीनस वग़ैरह भी पड़ती रहती हैं खाना बनता है कुकिंग वगैरह होती है तो फिर उससे जो है ना ये सारे चीज़ें जो है ना वो ग्रीस लग जाती है इनको ये वाला जो जूसर था कैरेट्स जिसमें आप आ, जूस निकालते हैं जो गाजर वगैरह का जूस निकालते हैं ये नीचे सेट नहीं हो रहा था इसलिए फिर मैं इसकी जो है ना वो ऊपर ही जगह बनाऊँगी जिसमें जो है ना वो आ गई हैं कुछ चीज़ें अब ऊपर वाला जो है शेल्फ उसको सेटल करते हैं और मेरा था कि ये माइक्रोवेव को जो है ना मैं इस एक साइड पर कर दूं और दूसरा वाला जो कॉर्नर है ना उसमें ये ब्लेंडर और ये जो एयर फ्रायर है एयर फ्रायर भी हमारा यूज़ होता रहता है ब्लेंडर भी और ऑब्वियसली ओवन भी ये जो तीन चीज़ें हैं ना ये जो ज़्यादा यूज़ होती हैं इसलिए जो है ना मैं इसको सेटल कर दूँगी जो है ना इस वाली शेल्फ पर और ट्राई करूँगी कि ये सारी जो शेल्फ है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाए और इसमें जितनी भी ज़्यादा स्पेस बन सकती है ना वो बन जाए तो आ, ये काउंटर को अच्छी तरह मैंने आ, उसी सेम आ, मिस्टर मसल वाले स्प्रे के साथ अच्छी तरह स्प्रे करके स्टील वूल से साफ़ किया उसके बाद जो है ना वो आ, उसको कपड़े के साथ मैं साफ़ करूँगी ताकि जितनी भी ग्रीस लगी हुई है ना वो सारी साफ़ हो जाए मैं बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ स्पीड तेज़ करती जा रही हूँ जो है क्लिप्स की ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो लेकिन स्टिल अभी जो है ना वो आई थिंक 12 मिनट की वीडियो तो हो गई है मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि बहुत ज़्यादा लंबी ना बने मैं साथ साथ काटती जा रही हूँ वीडियोज़ को और स्पीड तेज़ करती जा रही हूँ क्लिप्स को ताकि जो है ना वो अच्छे से कम मिनट में वीडियो जो है ना वो बन जाए लेकिन स्टिल अभी बारह मिनट की वीडियो बनी है लेट्स ये आगे कितने मिनट्स की वीडियो बनती है लेकिन यह है कि मैंने पार्ट टू को जो है ना कंप्लीट तो करना है कंप्लीट दिखाना तो है ना आपको कि किस तरह से मैंने सारा किचन को क्लीन किया था ये फ़ाइनली जो है ना मैंने वो वाले जो कॉर्नर था उसको सेट कर लिया था और वहाँ से सारा मैंने साफ़ कर लिया था अभी यहाँ से कॉर्नर रह गया था और मैंने इसको जो है ना वो साफ़ किया है जी ऊपर वाला सारा साफ़ हो गया अलहमदिल्ला ये अब जो कचरा इकट्ठा हुआ है ना अब ये मैं सारा जो है वो जाकर जो पीछे गारबेज रूम है वो अपार्टमेंट के बाहर हर बिल्डिंग में जो है ना वो बना होता है ऊपर हर फ्लोर पर बना होता है गारबेज रूम होता है वहाँ पर जाया के जो है ना वो कचरा फेंकना होता है तो मैं कचरा फेंक आई थी और अब जी मैं बनाने लगी हूँ बर्तन जो है ना वो वॉश करने वाले थे पड़े हुए लेकिन मैंने कहा सबसे पहले जो है ना मैं खाना साथ ऊपर रख देती हूँ और जब काफ़ी काम हो तो फिर दाल चावल का ऑप्शन होता है लेकिन वैसे भी पीछे ईद गुज़री और ऑल टाइम हमारे घर में जो है ना वो चिकन और गोश्त और कीमा और इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं तो बिल्कुल भी जो है ना वो दिल नहीं करता खाने को बनाने को ये चिकन और जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो तब भी हम लोगों ने के ऑर्डर कर लिया फिर वो इतना ज़्यादा ऑर्डर कर लिया फिर इतना खाया भी नहीं जाता तो दो दिन हम लोग वही खाते रहे हैं तो फिर उसके बाद जो है ना अब ये एक दाल चावल अब बनाने हैं घर में तो अब ये दाल दाल को जो है ना मैं भिगो दूँ तो साथ ही मैं इसका मसाला ऊपर चढ़ा दूंगी और साथ साथ जितने भी बर्तन पड़े हुए हैं ना मैं इन सारे बर्तन को वॉश करती जाऊँगी लाइक एक घंटे का काम और रह गया है तो वो जल्दी से कंप्लीट करती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई हुई हूँ क्योंकि इसके बीच में बीच में ईसा को भी मैं खिलाती पिलाती रही हूँ और इशाल को भी देखती रही हूँ दोनों को चेक चेक एंड बैलेंस उन तो, दोनों बच्चों पे भी रखना पड़ता है ताकि जो है ना वो काम भी होता रहे और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो तो अब ये जल्दी से मैं जो मसाले नहीं थे उसमें मैं वो इन बॉक्सेस में उसको रिफ़िल करूँगी और साथ ही जो है ना मैं मसाला रख दूँगी ऊपर खाना बनाने के लिए लास्ट वाला वीक लॉग आपको मेरा कैसा लगा था और उसमें अभी तक मैंने मैं मुझे देखकर इतनी हंसी आ रही थी कि यार लोग लाइक करने में कितनी कंजूसी कर देते हैं मैंने अपलोड किया था और मैंने ये कुछ घंटे पहले मैंने देखा था और 113 लोगों ने देखा हुआ था और सिर्फ तेरह लाइक्स थे उसके ऊपर कैन यू बिलीव दैट सिर्फ तेरह लाइक्स थे लाइक लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते और जो है ना वो लाइक नहीं करते तो ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हैं तो आपको कॉन्टेंट तो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है अगर आप लाइक कर देंगे और आप सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर मोटिवेशन मिलती है हम जैसे यूट्यूबर्स को जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जो कि ग्रो कर रहे होते हैं तो लाइक अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे तो आपकी जो है ना वो बहुत ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम लोग फिर अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट भी कर सकते हैं फिर जैसे जैसे हमें मोटिवेशन मिलती जाती है एनी आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो तो मेरे व्लॉग देखते हैं और फिर कमेंट्स भी करते हैं और प्यार देते हैं बहुत ज़्यादा भी करते हैं तो अभी मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से मेरा ये वीलॉग ख़त्म हो जाए तो अभी स्पीड भी मैं तेज़ करती जा रही हूँ तो साथ साथ जो है ना मैं खाना मैंने अपनी भी स्पीड तेज़ की हुई थी जिस तरह मैंने वीडियो की तेज़ की हुई है ताकि जो है ना मेरा जल्दी जल्दी से काम ख़त्म हो क्यों जाए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई भी थी एग्जॉस्ट हो गई भी थी जस्ट जल्दी से जो है ना वो खाना बन जाए ये जो है ना ईसा का बोल पड़ा हुआ है तो उसके लिए मैंने सेपरेट स्पॉन्ज रखा हुआ है जिसके साथ मैं जो ईसा के बर्तन है ना वो वॉश करती हूँ क्योंकि जो बाकी स्पॉन्ज है उसके साथ काफ़ी बैक्टीरियाज लगे होते हैं इसलिए मैं जो ईसा के जो बर्तन है ना वो सिर्फ सेपरेट मैंने स्पॉन्ज रखा है उसी के साथ मैं वॉश करती हूँ तो बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे और खाना मैंने प्रेशर भी बंद करके रख दिया था ज़्यादा मैंने आपको बताया ना मैंने सारे क्लिप्स जो है ना वो डिलीट कर दिए क्योंकि ऑलमोस्ट एक घंटे का वो सारा क्लिप्स बन रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना, लंबी वीडियो हो जानी थी आ, तो मैंने कैंडल जलाई मैंने कहा यार साफ़ सुथरा किचन हुआ है थोड़े से टशन वशन तो होने चाहिए तो फिर मैंने जो है ना वो एक कैंडल जलाई और बहुत ही खूबसूरत जो है ना उसकी खुशबू आ रही थी और माशाला साफ़ सुथरा जो है ना वो चार घंटे की मेहनत के बाद साफ सुथरा किचन हो गया है तो अब थोड़ा सा ब्रीदेबल भी लग रहा है थोड़ा सांस आ रहा है कि यार साफ हो गया ऑलमोस्ट एक साइड तो घर की दो साइड्स तो साफ हो गई है ना तो अभी इंशाल्लाह बाक़ी जो है ना वो सारा आपके साथ थर्ड वाले पार्ट में शेयर करूँगी और यही था आज का व्लॉग आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हुआ लगा होगा और जाते जाते, जाते जो है ना वो सब्सक्राइब कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते जाएँ अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं और बेल आईकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा इससे आने वाले मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक टेक केयर अल्लाह हाफिज़